हिमाचल प्रदेश में 1088 विशेष पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 12 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ठप होने के चलते आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक कई युवा आवेदन नहीं कर सके थे। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में 468 शिक्षकों को पदोन्नति दी गई है, जिसमें से 374 स्नातकोत्तर शिक्षक और 94 हेडमास्टर को प्रिंसिपल बनाया गया है। इसी के अलावा 707 नव चयनित लिपिकों को भी स्कूलों में नियुक्ति दी गई है। साथ ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए दिसंबर में सामान्य पात्रता परीक्षा संभावित है। दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर 7 नवंबर 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा कि छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन अस्ताचल सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। नंबर 4, महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं को अपने मोबाइल पर महाकुंभ मेला 2025 ऐप का उपयोग कर घाटों और धार्मिक स्थलों की सही लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड और ओपन करने पर इसके होम पेज पर प्लान योर पिलग्रिमेज सेक्शन में श्रद्धालु गेट डायरेक्शन टू घाट विकल्प का चयन कर सकते हैं। ऐप पर घाटों और मंदिरों की लोकेशन के साथ साथ प्रयागराज के प्रमुख धार्मिक स्थलों का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है। मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को रांची पहुंचेंगे और प्रदेश भाजपा के नेताओं के साथ 2 महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। पहली बैठक में संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत, वाजपेयी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा सरमा भी शामिल होंगे। इस बैठक में अब तक की चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सभी विधानसभा प्रभारियों के साथ साथ बैठक होगी, जिसमें चुनाव प्रचार अभियान पर चर्चा होगी। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे ने पिछले 11 वर्षों में राज्य के साथ केंद्र के व्यवहार की निंदा की और कहा कि प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया से दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक को नुकसान होगा। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा है कि कांग्रेस परिसीमन प्रक्रिया का कड़ा विरोध करती है। प्रियांक खरगे ने कहा कि पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने कर्नाटक में बहुत कम बदलाव किए हैं और इसे ठीक करने की जरूरत है। 13 नवंबर को पश्चिम बंगाल के 5 जिलों की 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 108 कंपनी केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से केंद्रीय बलों की तैनाती की घोषणा की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारत के निर्वाचन आयोग से 8 नवंबर तक त्योहारों को देखते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टी देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सभी जिलों के डीसी एसपी को निर्देश देंगे कि वो पूजा के दौरान उन कर्मचारियों को उनकी जरूरत के अनुसार छुट्टी दें। इन दिनों देश का सियासी पारा हाई चल रहा है। इसी बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने एक्स पर कई पोस्ट कर कांग्रेस पर जमकर वार किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है। कांग्रेस शासित राज्यों की हालत काफी खराब है, जनता से झूठे वादे किए हैं। कांग्रेस जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे गुट की उम्मीदवार साइना एनसी को लेकर के विवादित बयान दिया है। अपने इस बयान पर अरविंद सावंत ने कहा कि मेरा बयान पूरा सुनिए, इसमें क्या गलत है बताओ। साइना एनसी मेरी मित्र रही हैं, उन्होंने मेरे लिए काम किया है, मैं उनका सम्मान करता हूं और करता रहूंगा।